दुश्मन है चीनी, बंद करें इसे खाना। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 3D हेल्थ में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और जैसा कि हमारा टॉपिक बताता है कि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों है चीनी जहर और क्या है चीनी का सेवन ना करने के फायदे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चीनी के नुकसान आखिर हैं क्या। दोस्तों हमारी सेहत के लिए मीठा बुरा नहीं है जब तक कि ये मॉडरेशन में खाया जाए, बट अगर यही मीठा अगर ज़्यादा खाया जाए तो हमारी सेहत के लिए इसके इतने सारे नुकसान हैं, इतने सीवियर डैमेज हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरे सच की, क्योंकि चीनी जहर है ये एक्चुअल में अधूरा सच है। तो क्या है पूरा सच? उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, यानी कि जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है। यानी कि हम बात करेंगे शुगर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए लिटरली डैमेजिंग हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान, जब भी हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा वेट बढ़ने लगता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होता है, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको हमारी बॉडी किस में कन्वर्ट कर देती है? फैट। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये एडिपोज टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब हम इस एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को टाइमली यूज़ नहीं कर पाते, तो यही फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जो कि ज़्यादातर हमारी बैली एरिया के आसपास हमें दिखाई देता है। और यही रीज़न है कि अगर हम लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारा वज़न बढ़ता है, ना सिर्फ हमारा मोटापा बढ़ता है, बल्कि हमारे ऑर्गन्स के आसपास भी इतना फैट इकट्ठा हो जाता है कि वो लीड करता है हार्ट डिजीज़ को, फैटी लिवर को, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है हार्ट डिजीज़ के लिए एंड फैटी लिवर के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं और हमारा लिवर भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो फैटी लिवर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके तीसरे बड़े नुकसान की। तीसरा बड़ा नुकसान जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, ओरल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ज़्यादा चीनी खाने की वजह से कई बार कैविटी की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। सो ज़्यादा मीठा आपके दांतों को सड़ा सकता है। चौथा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड रीज़न सेम जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम मीठा खाते हैं हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में मीठा खाते हैं और बार बार मीठा खाते हैं, तो हमारी बॉडी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ करती है और बार बार रिलीज करती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस इंसुलिन की और उसको रेसिस्ट करने लगती है। एंड रिज़ल्ट हमारी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही जो सिचुएशन है ना, शुरुआत होती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। बात कर लेते हैं इसके पांचवे बड़े नुकसान की। बहुत ज़्यादा चीनी खाने से ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एनर्जी मिल जाती है। इंस्टेंटली आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन ओवर द टाइम आपको लगेगा, ज़्यादा चीनी खाने से आपको ज़्यादा थकान होने लगी, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है। नेक्स्ट, इससे आपका मूड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जो लोग लंबे टाइम तक ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको ज़्यादातर मूड स्विंग की शिकायत होती है, उनका मूड हमेशा लो रहता है। वहीं इसके ऑपोजिट अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक और आपका मूड ज़्यादा अच्छा होता है, आप ज़्यादा हैप्पी नज़र आते हैं। नेक्स्ट, इससे आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनमें मेजर प्रॉब्लम है एक्ने। जो चीनी होती है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो कोलेजन होता है उसकी फॉर्मेशन को कम कर देती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो बुढ़ापा हमें आ रहा है वो एक्चुअल में हमारे ज़्यादा चीनी खाने की वजह से है। सो आज के आज इसे हमें कम ज़रूर कर देना है अगर आप इसे छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। सो लो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कारण चीनी भी हो सकती है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, एंड रिजल्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी सही तरीके से काम करे,
स्पेशली मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, उन लोगों को ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। इन दी लास्ट, अगर हम लंबे टाइम तक ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। हम एक क्वालिटी स्लीप कभी नहीं ले पाते और पूरी नींद लेने के बाद भी हम अक्सर थके हुए रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी को ये 10 नुकसान ना हो, तो चीनी से एक ब्रेक लेना तो बनता है दोस्तों। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें शुगर से एक ब्रेक लेना है। जैसे कि हम अपने खाने से ब्रेक लेते हैं तो हम फास्टिंग करते हैं। सो हम फास्टिंग के थ्रू अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और यही डिटॉक्सिफिकेशन हमें यहाँ पे भी करना होगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन होगा शुगर से। सो हमें शुगर फास्टिंग करनी है, और बहुत ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 हफ्ते करके देख लीजिए। सिर्फ 2 हफ्ते आप ब्रेक लेके देख लीजिए इस मीठे से, इस चीनी से। 2 हफ्ते के लिए आप चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कितने सारे फायदे आपको विजिबल होने लग जाएंगे अपनी हेल्थ, अपनी सेहत। दोस्तों मैजिकल बेनिफिट्स हैं शुगर को छोड़ने के, जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चीनी का सेवन ना करने के कमाल के फायदे। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं चीनी का सेवन ना करने से हमें कौन से मेजर फायदे होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।